या अली मदद अलवाइज राय अबू अली मिशनरी वाइज नंबर 996 6th of October 1991 was at Lake Barnaby Jamaat ka nawab Vancouver in the morning Batul Khayal. This is the third series of this wise. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى الى قيامة ستگر کہہ رہے پریم بھگتی تور دائے وسے آن انتر لہے لگا सासे आराधिए काने सूरत ना जाए रे भाई काने सूरत ना जाए مولانا حضر امام پر صلوات پڑھو دیندارو اللہم صلی اللہ محمد وآل دیندارو اسماعیل بھائی کانانی نے گروپی رسم کبیر دین کے عبدو کے جو پاٹ بولے یہ 21 پاٹ کا یہ گنان انسان کی ساری زندگی عبادت عبادت کا طریقہ اور انتر کے مزے اس سارے گنے کے اندر بالکل خلاصہ روپ کر دیے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے عبادت کیوں کرنی ہے. ہمارے ایک چھوٹے بچے نے حضرت امام کے فرمان پڑھے. مولا ان فرمانوں کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے مگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. لیکن ہم اسماعیلیوں نے اس کے اوپر بس نہیں کیا. ہم کچھ یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ٹیمپریری ہیں, اس میں جو کچھ بھی دنیا میں کام کاج کرنا ہے کر کے ہم لوگوں کو ایک دن جانا ہے. موت کے بعد کی زندگی کے اوپر خیال کرنے والے لوگ عابد ہوتے ہیں. موت کے بعد جو ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اس زندگی کے لیے ہمارے دل کے اندر خیال اور وچار پیدا ہوئے اور ہم اس کی طرف عمل کریں, پھر دنیا سے ہمارا دل جس طرح آج اوت پروت ہو کے اس میں مکس ہو گیا ہے ایسا نہ ہوئے, ہمارا دل دنیا کے اندر اٹھا اٹھا رہے. اس کو ہم ویراگ کہتے ہیں. پریم بھکتی ہردے وسے, مولا کی جو محبت ہے جو ہمارا ایم ہے کہ جس طرح ہم لاکھوں کروڑ برس پہلے خدا کی روح جدا ہوئے ہماری روح کو اس نے اپنی مہربانی سے پیدا کیا اور یہ لاکھوں برسوں کے اندر ہم لوگ الگ الگ قسم کی زندگیوں کے اندر پسار ہوتے 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 آج ہم اس حالت میں پہنچے کہ انسان ہیں, اور انسانوں کے اندر خوش نصیب یہ ہیں کہ ہم ایک ایسی جماعت کے اندر ہیں کہ جس جماعت کے اندر نور حاضر بیٹھا ہے.
एक बहुत बड़ा महल है, उस महल के अंदर बहुत से दरवाजे हैं, बहुत से रूम हैं, लेकिन महल का जो राजा है, जो बादशाह है, मालिक है, वो एक खास रूम के अंदर बैठा हुआ है। हमारे दूसरे मुसलमान भाई इस्लाम के अंदर आए हैं तो वो महल में आ गए हैं, लेकिन जिस रूम के अंदर बादशाह बैठा है उस रूम के अंदर सिर्फ इस्माइली है, और इस्माइली जिनके दिलों के अंदर उस बादशाह की शनाख्त है, उस बादशाह की मोहब्बत है। हम उससे जुदा हुए, हम वापस उसमें जाना चाहते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद यह है कि हम जहां से जुदा हुए हम वापस वहां पहुंच जाएं। एक बहुत बड़े आलिम हुए जिनको हम जलालुद्दीन रूमी के नाम से जानते हैं, हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने मसनवी रूमी पढ़ने के लिए बहुत जोर दिया है। अफसोस यह है कि हम लोग इमाम के फरमानों पे अमल न करने की वजह से बहुत सी चीजों से महरूम हो जाते हैं, हमें वो चीजें नहीं मिलती कि जो हमें मौला देना चाहता है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने दो किताबों की बड़ी तारीफ की है, एक तो जलालुद्दीन रूमी की मसनवी और दूसरा शम्स तबरेज की मसनवी। शम्स तबरेज भी हुए और शम्स पीर भी हुए, ये दो जुदी व्यक्तियां थीं। मौलाना शम्सुद्दीन तबरेज जो थे वो इमाम अलाउद्दीन मोहम्मद के फर्जंद थे और बहुत ही तेजस्वी थे, नूर से भरे हुए थे। जलालुद्दीन रूमी उनके शागिर्द थे और रूमी ने लिखा है कि शम्स तबरेजी के नूर मुतलिकस्त। शम्स तबरेज जो है ना, वो सिर से पांव तक नूर ही नूर है। हालांकि उनके पास इमामत का जौमा नहीं था, मगर वो इमामत के अंदर मिक्सअप हो चुके हुए थे। दूसरे हमारे पीर शम्स थे के जो सब्जवारी थे और पीर सलाहुद्दीन के फर्जंद थे। दोनों का पीरियड लगभग नजदीक नजदीक है, इसलिए बहुत से लोग पीर शम्स को शम्स तबरेज समझते हैं और कई लोग शम्स तबरेज को पीर शम्स मान लेते हैं, मगर ये दो अलग व्यक्तियां हैं। लेकिन एक तीसरी व्यक्ति भी थी जो हमारे इमाम शम्सुद्दीन मोहम्मद थे, वो भी इसी जमाने में हुए। तो ये तीन शम्स एक ही वक्त हुए। जलालुद्दीन रूमी, उसकी मसनवी हकीकत में आध्यात्मिक चीजें, रूहानी चीजें सीखने के लिए बड़ी अच्छी उसमें दलीलें हैं और उसमें छोटी छोटी कहानियां और हिकायतें हैं कि जो कहानी करके हमको बताते हैं। उनकी मसनवी जब शुरू होती है तो वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू नहीं करते। बड़े बड़े मौलवियों और आलिमों ने इसके ऊपर डिस्कशन की कि मसनवी मौलाना रूम के, जिसको एक बहुत बड़े दूसरे आलिम मौलाना जामी ने कुरान का दर्जा दिया है। मौलाना जामी कहते हैं कि रूमी की जो मसनवी है वो फारसी जबान में कुरान है, तो ये कुरान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू क्यों नहीं होता? लोग इस चीज को हल न कर सके, लेकिन हकीकत यह है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हम कब कहते हैं कि जब हम कोई काम को खुदा के नाम से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी ने खुदा को भूला ही नहीं, खुदा ही के खुदा के साथ हर वक्त रहा, तो उसको फिर शुरुआत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुदा के अंदर 24 घंटे मौजूद हैं और खुदा उसके अंदर मौजूद है। तो कहते हैं कि मैं चला जा रहा था, एक आदमी मुरली बजाता था, बांसुरी बजाता था, और लोग उसकी धुन में से इतने मस्त थे कि सर हिलाते थे और मस्त हो रहे थे। वो लोग के जो किसी से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उस मोहब्बत के अंदर उनका जो महबूब है, माशूक है,
वो नहीं मिलता या दूर चले जाता है, तो उनके दिलों के अंदर ये जो आतुरता और ये ख्याल, ये उम्मीद जो होती है कि मैं उसको मिलूं, तो जुदाई का दर्द महसूस करते हैं। और जब कोई दूसरा आदमी अपनी जुदाई का रोना रोवे, तो ये आदमी रो पड़ता है। मौलाना रूमी लिखते हैं कि सुनो सुनो, ये जो नए है यानी बांसुरी है, ये अपनी जुदाई का रोना रो रही है और लोगों को रुला रही है। विष्णु वज नए चू हिकायत मिकुनद वज जुदाई हा शिकायत मिकुनद। ये जो बांसुरी है ये अपनी जुदाई का रोना रोती है, और इसके गाने के ऊपर, इसकी आवाज के ऊपर मर्द जन्नाली दाद, औरत मर्द रो पड़ते हैं। रोना उस बांसुरी की वजह से नहीं होता, इंसान के दिल के अंदर जो एहसास है या उसके दिल की जो हालत है, उस हालत को छेड़ देने से आदमी रो पड़ते हैं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे दिल में जब तक के वैराग पैदा नहीं होवे, वैराग कहते हैं जुदाई को महसूस करना, वैराग कहते हैं अपने महबूब के पास चले जाना, वैराग कहते हैं कि उसके सिवा हमें और कोई चीज अच्छी लगती ही नहीं, ये वैराग बहुत जरूरी है। शम्स माँ बाप फरमाते हैं कि जो प्रेम की भक्ति है, भक्ति दिखावे की भी होती है, लेकिन प्रेम की जो भक्ति है वो दिखावे की नहीं होती, क्योंकि वो छुपी रहती है। प्रेम भक्ति तो हृदय में, उसके हाथ पांव आंख नाक कान सिर वगैरह भक्ति में नहीं होते। हम दुआ पढ़ रहे हैं तो हम सजदा करते हैं, हाथ उठा के दुआएं मांगते हैं, मुंह से हम कलाम करते हैं यानी दुआ पढ़ते हैं, तो ये जाहिर की भक्ति है। और शुरुआत करने के लिए जाहिर की भक्ति की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि हजरत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमाते थे और बहुत दफा फरमाते थे कि जाहिर नहीं तो बातन को जा। मौला कहते थे कि अगर जाहिर नहीं है तो बातन कैसे हो सकता है। कोई जाहिर ऐसा नहीं कि जिसका बातन ना हो, हर जाहिर का कुछ बातन है, लेकिन ऐसा बहुत सा बातुन है कि जिसका जाहिर नहीं, बातुन बातुन है, जाहिर बातुन के बगैर नहीं है मगर बातुन जाहिर के बगैर है। फिर कहते हैं कि जो प्रेम की भक्ति है वो दिखावे में नहीं आती, वो तो अंतर लय लगावे, आंखें बंद हैं और अंतर के अंदर उसकी लय लगी हुई है। लय लगाने का मतलब यह है ऐसा उसका ध्यान लगा हुआ है कि खुद को भी भूल चुका है, सांस को सांस, हमारा सांस अंदर जाता है हम उसको सांस कहते हैं, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसको हम उसास कहते हैं। सांस उसास से एम आराधी है, जपने में और आराधने में फर्क है। जपना जबान से होता है, याली 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 याली, और जो आदमी जबान को बंद करके इस जाप को रिपीट करता है उसको आराधना कहते हैं। आराधना का एक और मतलब भी है याद करना। हमारे शास्त्र में एक शास्त्र है उसका नाम ही आराधना है। तो इस तरह से अपने दिल के अंदर उसको सांस उसास याद करो कि तुम्हारे कान को भी उसकी खबर न पड़े। यानी अगर हम मुंह से याली याली करें तो हम अपनी आवाज सुनते हैं, लेकिन हम अपने दिल के अंदर इस तरह से उसको याद करें और उसमें इतने मशगूल हो जाएं कि हमको खुद अपनी भी सुध न रहे। तो इस तरह जो प्रेम की भक्ति है वो हमारे हृदय में बसती है, हर वक्त हमारा वक्त उसको याद करता रहता है।
एक सेकंड भी वो मिस नहीं होता, भुलाया नहीं जाता। इस किस्म के इशारे हमारे मौला के फरमानों में है, मौला के फरमान में है। ये फरमान साहब ने 5 साल पहले अमेरिका के अंदर भी किया कि सारा दिन किसी न किसी तरीके से मौला को याद करते रहो, अल्लाह अल्लाह करो, या अली अली करो, या मोहम्मद का नाम लो। मौला यहाँ तक फरमाया कि किसी इमाम का नाम लेते रहो। हमारे 49 इमाम हैं, अली को याद करो कि हुसैन को याद करो कि मौलाना हाकिम बिअम्रिल्लाह को याद करो। वो तमाम के तमाम नूर के पात्र थे। हमारा मकसद तो किसी न किसी तरीके से उसके ख्यालों के अंदर मस्त रहना है, और इस मस्ती के अंदर जो खुदा की याद में हमें मिलती है, मस्ती के अंदर जब इंसान को खुदा की रहमत और मेहरबानी मिलती है तो दिनदारों उसके अंतकरण में रोशनी होती है, उसके दिमाग के अंदर रोशनी होती है, और शैतान उसके पास नहीं आता। आता है तो दूर खड़ा रहता है, उसके ऊपर शैतान तसल्लुत नहीं कर सकता। क्यों? कि वो हर वक्त खुदा ही के कब्जे में है, हर वक्त तो शैतान का वहां ना आना पॉसिबल ही नहीं। ये ख्याल कि हमारे दिल में वैराग उत्पन्न होना चाहिए, हमारी नीयत होनी चाहिए, और हमारे दिल के अंदर इस बात का जोर शोर से इरादा होना चाहिए कि मुझे इबादत करनी है और मौत के बाद की जिंदगी को सुधारना है। मैंने अपनी गई दो आवाजों में इसी थीम के ऊपर मैंने आवाजें की, और इस जो मेरी सीरीज में पहली आवाज थी उसके अंदर मैंने आमाल के ऊपर खास तौर पर जोर दिया, क्योंकि जब तक हमारा अंतकरण पवित्र नहीं होता तब तक इमाम हमारे दिल में नहीं आएगा। अब्दू काम क्रोध जब जीते जोगी, सत पवित्र तब होई। ए चित जीते चंदा होवे निर्मला, निर्मल साधु सोही अब्दू, निर्मल साधु सोही। आज की इस दुनिया में जो हम रहते हैं, इस कलयुग के भरे हुए जवानी के जमाने के अंदर, इस वक्त कलयुग जवान है, कलयुग अपनी पूरी ताकत में है, और रोज बरोज हालत बिगड़ती जाएगी, गुनाह बढ़ते जाएंगे, धर्म कम होगा, अच्छाइयां घट जाएंगी, मोमन भी घट जाएंगे। जब तक के मौला अस्वारी करके दुनिया के अंदर से तमाम गुनाहों और क्राइम का नाश नहीं करेगा, तब तक ये बातें बनती रहेंगी, बिगड़ता रहेगा काम काज। तो ऐसी हालत के अंदर दो चीजें, काम और क्रोध, काम वासना, सेक्सुअल इंडल्जेंस, मैंने सोच के लफ्ज बोला है, मुझे कुछ और कहना था, सेक्सुअल इंडल्जेंस। आज की इस दुनिया के अंदर टीवी, रेडियो, चौपानियां, सोसाइटी, यार दोस्त, पार्टियां और इस किस्म की सोशल एक्टिविटीज में सेक्स बहुत ज्यादा है, चारों तरफ गुनाह की आग लगी हुई है, और जिधर देखो आगे पीछे राइट लेफ्ट हमारे चारों तरफ गुनाह है, गुनाह की आग जल रही है। अगर हम आग में नहीं जाते तो सेक तो मिलता है, हम इसके अंदर बैठे हैं। इमाम की छतरी के नीचे बैठने से वो हमको बचाएगा और बचाता है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमानों के अंदर, खासतौर पे बैतुल ख्याल के फरमानों में इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया करते थे मौला
کہ جونی تمہاری جوانی شروع ہوئے ماں باپ فرمایا شادی کر دو تاکہ تم گناہ سے بچو. ایک آدمی کو گند میں رہنا ہے اور اس کو خدا تعالیٰ کا نور بھی لینا ہے تو وہ یہ دو چیزیں پوسیبل نہیں ہیں. گندگی میں سے نکل کے جب تک ہم صفائی نہیں کریں تب تلک پوسیبل نہیں ہے. میں اپنی وعظوں میں کبھی کبھی مثالیں دیا کرتا ہوں. ایک چھوٹا بچہ ہے وہ جا کے کھیل رہا ہے, کیچڑ میں لت پت ہے, منہ میں کیچڑ لگا ہے, سر میں کیچڑ لگا ہے, ہاتھ کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں, سارا بدن گندا ہے اور بچہ چھوٹا ہے. اب وہ بھاگ کے آیا اور ماں کو پکڑنا چاہتا ہے تو ماں اس کو اپنا آپ پکڑنے نہیں دیتی کیونکہ وہ ماں کے کپڑے خراب کر دے گا, تو ماں اس کو دور ہی رکھتی ہے, ہاتھ پکڑ کے باتھ روم میں لے جا کے پہلے اس کو کلین کرتی ہے, صاف کرتی ہے, پھر اس کو کلیجے سے لگاتی ہے. یہ مولا ہماری روحانی ماں کہ جس کی روح میں سے ہم نے جنم لیا, ہماری روح نے جنم لیا. اگر ہم گندے مندے ہیں تو ہم اس کے پاس پہنچ نہیں سکتے, وہ ہم کو نزدیک نہیں آنے دے گی. ہمارا انتکرن ہمارا ظاہر دونوں پاک ہونے چاہیے. اگر ہم کو اپنے دل کے اندر نور کی پراپتی چاہیے تو ہمارا دل ایسا پیور ہونا چاہیے کہ جس میں حضر امام آ کے بیٹھ سکے. اس کے لیے آج کی اس دنیا کے واسطے پھر اصل کبیر دن ماں باپ نے خاص طور پہ جو زور دیا ہے کہ اپنے کام واسنا کو چھوڑو اور کرودھ کو چھوڑو. کرودھ بہت بڑی چیز ہے. عام طور پہ جو ایک باپ اپنے بچے پہ یا ماں اپنے بچے پہ غصے ہو جاتی ہے وہ کرودھ نہیں. کرودھ وہ غصہ ہے کہ جو توڑ پھوڑ کرے, جس میں انسان اپنے بیلنس کو گما دے, مینٹل بیلنس چھٹک جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں لگتا کہ میں کیا کرتا, جو کچھ اس کے سامنے آوے وہ توڑ پھوڑ دیتا ہے. ہمارے بہت سے لوگوں کے اندر یہ غصہ ہے کہ جو کرودھ کی حد کا ہے. میاں بیوی کے گھر برباد ہوئے کرودھ کی وجہ سے, باپ سے بیٹا بھاگ جاتا ہے کرودھ کی وجہ سے, بھائی بھائی جدا ہو جاتے ہیں کرودھ کی وجہ سے. اور کرودھ لازم نہیں کہ ظاہر بھی کرے, ایسے بھی کرودھ ہیں کہ جو دل کے اندر کرودھ کرتا ہے, توڑ پھوڑ نہیں کرتا اور دل میں جلتا رہتا ہے, پھر وہ چیز حسد کی صورت بن جاتی ہے اور انسان کے دل میں جلاپا رہتا ہے. جہاں آگ ہوتی ہے وہاں جنت نہیں ہو سکتی. تو یہ کام اور کرودھ یہ دو ایسی خراب چیزیں ہیں, پھر مطلب فرماتے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں تم نہیں ریموو کرو گے تمہارا ست جو ہے, ست یعنی ایمان, ایمان پوتر نہیں ہوگا. جب تمہارا ایمان پوتر ہو جائے گا تو تمہارا چت جو ہے, تمہارا جو سیلف ہے وہ پاک ہو جائے گا, تمہارے ہاتھ میں آئے گا. اور چت جیتے چندا ہوئے نرملا, چندا کہتے ہیں انسان کی پیشانی کو. خدا نے انسان کا چہرہ بنایا ہے اپنی کلپنا سے. خدا تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور بائبل میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان کا جو چہرہ ہے, کیونکہ انسان کا جو بدن ہے وہ تو بندر کے پاس بھی ہے, اسی طرح کے ہاتھ پاؤں, پانچ انگلیاں, پاؤں کی پانچ ہاتھوں کی ہیں, کان ایسے ہیں, باڈی ایسی ہے, لیکن خاص طور پہ جو چہرے کا بناوٹ ہے وہ انسان کی بناوٹ اور ہے, بندر کی طرح نہیں. لیکن خدا نے اس چہرے کے اندر بدصورتی بھی رکھی ہوئی ہے, خوبصورتی بھی رکھی ہے. خوبصورتی سفید رنگ کے نام کا نہیں. خوبصورتی, کالا آدمی بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. خوبصورتی کہتے ہیں کہ اس کا ناک, نقشہ, ڈھانچہ وغیرہ بالکل ایسا ہوئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کی ریلیونس ہوئے, پروپورشنیٹ ہوئے, کہ آدمی اس کو دیکھ کے ایک دفعہ ٹھہر جاوے. کالے رنگ کا آدمی بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے جو چہرہ بنایا ہے وہ اپنی کلپنا سے بنایا ہے, اور اس چہرے کے, سارے چہرے کے اندر دو چیزیں بہترین ہیں.
एक तो उसकी पेशानी और दूसरी उसकी आंखें। इन दो चीजों से इंसान के चेहरे की वाइब्रेशंस और उसके अंतकरण की हालत का पता लगता है। आदमी की पेशानी ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर से इंसान के ख्यालात की झलक नजर आती है। आंखें पेशानी के नीचे हैं। हमारी ये जो फोरहेड जिसको हम पेशानी कहते हैं और जिसको पीर ने चंदा कहा है, इसका असर नीचे उतरता है। पेशानी का और मतलब यह भी है कि हमारे इस फोरहेड के ये जो फ्रंट भाग है, यहां हमारा इंटेलिजेंट ब्रेन रहता है। हमारा ब्रेन जो है लगभग 2.25 पाउंड का वजन है इसका टोटल, लेकिन फ्रंट के अंदर एक छोटा सा जो भाग है लगभग 8 औंस जितना होता है, इसको ग्रे मैटर कहते हैं। ये इंटेलिजेंस का, अक्ल का स्थान, ज्ञान यहां है। और बाकी का जो लगभग 1.5 पाउंड का वजनदार जो है वो हमारे पीछे होता है, इसको अपर ब्रेन कहते हैं, और ये जो पीछे वाला है उसको लोअर ब्रेन कहते हैं। तो तमाम बदन के अंदर जितनी भी तारें जाती हैं जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो उस ब्रेन में से नीचे, गर्दन से नीचे उतरता है। और हमारा ये जो अपर ब्रेन है, इसमें रूह का स्थान है, अक्ल रहती है। इंसान की तमाम शक्तियां जो हैं, यानी रूहानी और मानसिक शक्तियां, वो इस अपर ब्रेन में है जो पेशानी के ऊपर है। और इसका असर हमारी पेशानी पे भी होता है, हमारी आंखों तक उतरता है। चित्त को जीतने से, सेल्फ को जीत लेने से, यानी इंसान के अंदर ऐसी विल पावर पैदा हो गए कि वो बदी बुराई न करे, नाफरमानी के काम न करे, तो ऐसी हालत में उसका जो चंदा है ना, पाक होता है। यहां चंदे से मतलब उसका दिमाग, उसकी अक्ल, उसके ख्याल विचार पाक बन जाते हैं और उसकी पेशानी पे नूर चमकता है। मैंने दारुस्सलाम के अंदर अभी 2 महीने पहले हजर इमाम आए, ये बात मैंने यहां भी डाउनटाउन के जमात खाने के अंदर की थी कि हमारा जो मौला है ना, वो अल्लाह का नूर है और वो नूर इसकी बॉडी में है। उस नूर का असर मौला की बॉडी में भी होता है। जैसे कि एक आबिद इंसान है, इबादत का असर उसकी शरीर पर भी होता है, इस तरह से वो जो मौला है वो तो खुदा का नूर है और वो नूर इंसान की पेशानी में रहता है। मैंने जिक्र किया जमात को कि आपने हाजर इमाम को देखा, सबने देखा, लेकिन बहुत थोड़े आदमी हैं कि जिनको ये ख्याल होवे कि इमाम जब आके जमात खाने में, जमात के अंदर दीदार देने के लिए जब बैठता है, उसका चेहरा देखो, वो चारों तरफ सबको देखता है, सबसे निगाहें मिलती हैं उसकी। उस वक्त जब इमाम आपको देख रहा है, आप हजर इमाम की 2 आईब्रोज के बीच में, ये पेशानी नाक के ऊपर की जगह, इसी पेशानी में गुलाबी रंग का पिंकिश एक ऐसा सर्कल जैसा होता है, एक स्पॉट होता है कि जो पिंकिश रंग फ्लेयर करता है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके अंदर से, जिस तरह ये पुलिस की गाड़ी के वो कैसे लाइट चलती रहती है चारों तरफ फ्लिकर करती है, ऐसा इमाम की इस परेशानी में पिंकिश रंग से फ्लिकर होती है। इसके अंदर इंसान अगर ख्याल करके देखे तो उसको एक और चीज नजर आएगी, उसको त्रिशूल नजर आएगा। त्रिशूल जो है वो 3 लाइनें हैं। आप अरबी जबान के अंदर अल्लाह लिखो तो 3 लाइनें होती हैं। ह की मरोड़ी बाद में आती है, लेकिन बीच में ये 3 लाइनें हैं, ये त्रिशूल कहते हैं। और कभी कभी इमाम जब राजी होता है तो अपने बच्चे को, अपने मोमन को इस किस्म का दर्शन दिखाता है। मुमकिन है सबको नजर न भी आवे,
लेकिन चाहोगे तो ईमान की बहुत सी खूबियां आपको मिल सकती हैं और उससे मोहब्बत करोगे तो वो आपको अपनी बहुत सी बख्शिशें देगा। ये चीज भी परेशानी में है और हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जितने भी नबी थे उन तमाम नबियों का नूर उनकी परेशानी में था। ये परेशानी जो है चंदा है। तो जब इंसान अपने चित्त को जीत लेता है, बदियों बुराइयों से अपने को रोक लेता है, उसकी विल पावर ऐसी पावरफुल बन जाती है कि कुछ भी हो जाए वो गुनाह की तरफ नहीं जाता, तो फिर कहते हैं उसकी परेशानी रोशन हो जाती है, पाक बन जाती है, उसके ख्याल विचार पाक हो जाते हैं। फिर पाते हैं कि निर्मल साधु सोई, वही साधु, यहां साधु से मतलब वो आदमी कि जिसने दुनिया को अपने दिल से निकाल दिया है, वो पाक पवित्र होता है। जब इंसान निर्मल बनता है फिर उसके दिल के अंदर मौला के बैठने की जगह तैयार होती है और वो मौला आके फिर बैठता है। पवित्रता की जरूरत है, प्योरिटी की जरूरत है, प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड प्योरिटी ऑफ एक्शंस। हम जब तलक बदियों बुराइयों में फंसे हमें बैतुल ख्याल की इबादत में कुछ हासिल नहीं होगा। ये जरूर है कि आप इरादा करके आए जमात खाने में, चलो मैं इबादत करूं, इस नियत का सवाब मिलता है, बैठक करोगे सवाब मिलेगा, आपने नियत तो की बैठक करने की, लेकिन इबादत का जो फल है वो उस वक्त मिलेगा कि जब हमारा अंतकरण पाक हो जाए, हमारे अमाल पाक हो जाए, अच्छे बन जाए, पवित्र बने, हमारे अंदर वैर विरोध हसद बदियां बुराइयां बदनजरी झूठ फरेब किसी का खा गए माल खा गए हराम किया हलाल किया, हमें इन तमाम चीजों की अगर कोई भी ख्याल नहीं है तो हमारी इबादत लाख बरस तक करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अलबत्ता जरूर जैसे अर्ज की मैंने कि मौला के हम घर में आते हैं, सुबह उठ के जमात करने आते हैं, नियत करते हैं, बैठक करते हैं, फिर सो जाते हैं, हमको इसका सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन इबादत का जो एम है, ध्येय है, वो बहुत दूर है। ये बहुत जरूरी है। इसी चिंता और फिक्र में कि मेरे से भूल ना हो जाए, गुनाह ना हो जाए और जिंदगी पसार हो जाए, इसी गिनन के अंदर फिर हसन कबीर दिन फरमाते हैं, एक आदमी है मुसाफरी करता है, सफर पे जाता है, रात बिल्कुल अंधेरी है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, इतना अंधेरा है, और जो रास्ता है जहां हमें पहुंचना है मंजिल पे, वो रास्ता बड़ा कठिन है, पत्थर हैं, खड्डे हैं, कांटे हैं, और इसके अंदर अगर कोई आदमी हमारे साथ साथ भी चलता है तो हमें डर है कि ये कोई डाकू है, चोर है, कातिल है, खूनी है, मालूम नहीं कौन है। ऐसी सूरत के अंदर उसको रास्ता तो पता नहीं लगता, इधर जाता है उधर जाता है, मंजिल का ठिकाना नहीं और मंजिल पे पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं। अब क्या करे, ये जो साथी है उसको पूछता है तो वो उसको मंजिल नहीं बताता। ऐसी हालत में अगर उसको कोई गाइड मिल जाए तो वो मंजिल पे पहुंचेगा। फिर कहते हैं अब्दू रहने अंधेरी साथी वरी अने अब घट घाट गुजारा बिने अगुए नहीं मार्ग पावे ताकि चिंता करो सवेरा अब दू चिंता करो सवेरा। सवेरा कहते हैं जल्दी, रात अंधेरी है, हमारी जो लाइफ है ये मुसाफरी है, ये कलयुग का समय है, ये अंधेरी रात है और हमारे मन का पाप, हमारा शैतान हमारा दुश्मन है, साथी वैरी। अब घट घाट गोदारा,
ये जो रास्ता और मंजिल बड़ी मुश्किल है, इसके अंदर बिन अगुए नहीं मार्ग पावे, एक गाइड चाहिए जो हमको रास्ते पे पहुंचा देवे। और वो जो गाइड है वो हमारा बोल है, ये बोल हमारे लिए कैरिज है कि जिसमें से बैठ के हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। मौलाना हज़रत इमाम हमारा मालिक है। तो हमारे अंदर जब इंसान अपने आप को इन तमाम ख्यालात को समझ के पाक पवित्र करता है और हमारे अंदर पवित्रता ही आती है, फिर हम जब इबादत करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। एक तो यह है, सारा दिन मौला को याद करते रहना। दूसरा यह है, मैंने आपको गई वाइस के अंदर अर्ज की थी कि मुर्शिद के हुक्म के ऊपर अमल होना चाहिए। हमने एक मुर्शिद बनाया है, अगर हम मुर्शिद के कहने पे अमल नहीं करते तो फिर मुरीदी मुर्शिद की जरूरत ही नहीं है। एक बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो स्कूल के अंदर टीचर बच्चे को कहता है, देख दो और दो चार होते हैं, तो वो बोलता है नहीं चार नहीं होते। तो कभी वो टीचर के सामने इस तरह की दलीलें करता है तो टीचर उसको सिखाना छोड़ देगा। पहले उसको टीचर मानने का मतलब ही यह है कि वो जो मुझको कहे वो मैं मान लूं। हमारा जो मुर्शिद है, हमने उसकी बयत की है तो उसका यही मकसद है कि जो वो कहता है उस पर अमल करे। एक भी नाफरमानी जानबूझ के की हुई हमको इबादत के अंदर अड़खिली करती है, एक भी नाफरमानी। इंसान है, वीक है, भुलकना है, अनजाने मिस्टेक हो गई तो इंसान माफी मांग लेता, मौला मुझे बख्श दे, मेरा ख्याल ऐसा नहीं था, मेरी नीयत ऐसी नहीं थी, तो रहम रहीमी है, मुझे माफ कर दे। लेकिन जो जानबूझ के आदमी गुनाह करता है जिंदा रहो, वो गुनाह नाफरमानी इंसान को इबादत के अंदर नहीं आगे बढ़ने देती। अपनी जिंदगी में यह ख्याल करना चाहिए, हर रोज ये सोचो कि मैं हज़रत इमाम की कौन कौन से नाफरमानी करता हूं, इन नाफरमानियों को छोड़ देना चाहिए। अगर मौला ने यह कहा है कि तुम सुबह चार बजे उठो तो दिनदारो चार बजे उठो, दो पांच मिनट लेट हो गए कोई बात नहीं, इंसान है, किसी वक्त सवा चार बज गए तो उठ बैठो, या मौला माफ कर मैं लेट हो गया, लेकिन उठो। अगर हम उठते ही नहीं तो इबादत, आठ पंद्रह दिन में एक दफा हमने इबादत की तो वो इबादत तो फलने वाली नहीं। बीज को हर रोज पानी देना चाहिए, खातर देनी चाहिए। तो ये चीजें फरमान बरदारी में आती, फरमान मानो तो फेरा चढ़े, फरमान के ऊपर अमल करो, वो फरमान फिर चाहे कैसा भी फरमान है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार कच्छ गए, लोगों की मेहमानियां कबूल की, इनमें एक बुजुर्ग आदमी था, इतनी बड़ी पगड़ी छोटा सा मुंह, मौला उसको नाम लेके कहते हैं, क्या बात है तू ऐसा हो गया? कहते धनी माँ बाप बीमार आया। अब क्या बीमारी है उसने नहीं कहा, इमाम ने क्या फरमाया, एक्चुअली उसको चक्री की बीमारी आती थी, माँ बाप फरमाया कैस्टर ऑयल पिया करो, सर झुका दिया, हम ही खुदा मेहमानी में से निकल आए तो घर वाले कहते हैं मौला को पूछना तो था चमची पिए कि प्याली पिए कि कितना पिए और कभी पिए, उसको कहते हैं चुप रहे माच कर, ये धनी के मड़े खबर आए, ये मुके कुल है ना चाहिए कि तू हकड़ी चमची पिए ने सुबह जो पिए के रात जो पिए, ये चाहिए कैस्टर पिया करो, पिया करो मीन्स पिया करो, आखिरी बॉटल गिनी खीसे में रखे, घंटे दो घंटे उसको याद आवे तो बॉटल लेके ऐसा ही मुंह में, सारा दिन आठ दस पंद्रह बीस दफा वो थोड़ा थोड़ा कैस्ट्रॉल पीता रहे और सारी जिंदगी पिया, क्योंकि मौला ने नहीं कहा कि दो महीने पीना एक बरस पीना, जिंदगी भर पीता रहा और कभी बीमार नहीं पड़ा, सब बीमारियां निकल गई, फरमान माना। अब दीनदारों हम लोग इबादत करना चाहते हैं,
मौला के नूर की तमन्ना है। हम चाहते हैं कि हमको इबादत में नूर मिले। मौला कहता है कि तुम इबादत से पहले चाय मत पियो। अब मुझे बताओ, आप इमाम की जानबूझ के नफरमानी करके चाय पी के जमात खाने में बैठ के इबादत करोगे, आपको मिलेगा कुछ? हजार बरस बंदगी करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात है। नाफरमानी, बात चाय की नहीं, बात नाफरमानी की है। धनी ने कहा ऐसा न करो, न करो। हम एक प्याली चाय से रोक नहीं सकते। चित जीते चंदा होवे निर्मला, हम अपने मन को इस एक चाय की प्याली से बचा नहीं सकते तो दूसरे गुनाहों से किस तरह बचाएंगे? कि जो बहुत ताकत वाले और पावरफुल गुनाह है उनसे बचने का रास्ता क्या? जमात खानों के अंदर हम चाय पीते हैं और फिर हम इबादत करते हैं नाफरमानी करके, मौला का द्रोह करके, मौला की बेइज्जती करके। उसने कहा बैठ जाओ, हम बोलते हैं नहीं, हम नहीं बैठेंगे। अरे तुमने मौला के सामने बगावत की, रिवोल्ट किया। एक चीज नहीं छोड़ सकते हम। हसन बसरी नाम के एक शख्स थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने जिंदगी भर खरबूजा नहीं खाया। खरबूजा कहते हैं कैंटेलॉप को। सारी जिंदगी लोग उनको खरबूजा देने तो बोले मुझे पता नहीं रसूलुल्लाह ने खरबूजा खाया कि नहीं खाया, इसलिए कभी उन्होंने खाया होए और मैं ना खाऊं तो वो नाफरमानी है, लेकिन उन्होंने नहीं खाया और मैं खाऊं तो ये तो और भी बड़ी नाफरमानी। जिंदगी भर उसने खरबूजा नहीं खाया। रसूल अकरम ने सारी जिंदगी गांव की चपाती नहीं खाई। इसके लिए अबू जर गफारी जैसे आदमी ने जिंदगी भर चपाती नहीं खाई। मुर्शिद की मोहब्बत दिल के अंदर अगर हो तो फिर इंसान के दिल के अंदर रोशनी पैदा होती है। चीजें इमाम के मुख मुबारक में से जो निकलती हैं वो नूर की चीजें हैं, वो फरमान बरदारी है। चाय की एक प्याली हमारी इबादत को बर्बाद कर रही है, हमें उसका कोई ख्याल तक भी नहीं। छोटी सी कितनी मामूली चीज है। और एक दफा एक आदमी ने मुझको कहा मिशनरी साहब आप चाय के पीछे बहुत पड़े हो। मैंने बोला मैं चाय के पीछे नहीं पड़ा, आपकी नाफरमानी के पीछे पड़ा हूं। कि आप लोग नाफरमानी करते हो इसलिए इबादत में कुछ नहीं मिलता। इबादत करना है तो मुर्शिद की फरमान बरदारी करो, और इस फरमान बरदारी के अंदर जो दुख आता है वो दुख इबादत को ऊपर उठाता है। फरमान बरदारी करने में जो दुख या अगवड़ आती है वो हमारी इबादत का पोषण है। पोषण मीन्स इसको एनरिच करती है। इसके लिए फरमान बरदारी बहुत जरूरी है। अभी इंसान के फिर उसने मन को पाक किया, पवित्र हो गया, मोहब्बत पैदा हुई, फिर वो बैठक करता है, ध्यान लगाता है, आंखें बंद करके अपने मौला को याद करता है। ये जो बोल है हमारा ये मौला की सूरत है, रूहानी चीज है। मैंने ऐसा भी जिक्र किया है कि मौला हर वक्त रूहानियां नवी नवी पैदा करता रहता है। चालू किसी वक्त वो रहीम की हालत में, रहमत की हालत में होता है, किसी वक्त वो जब्बारों का हार की हालत में होता है, किसी के वक्त वो रब की हालत में होता है। तो जुदे जुदे उसकी जो हालतें एट्रीब्यूट्स जो है ना, उन हालतों में वो अपनी नवी नवी रूहानियां बनाता रहता है। तो जो हमारा पहला बोल है, हकीकत में मौला जो है ना, जो बोल हमको फर्स्ट टाइम मिलता है वो बोल हमारी रूह की उस हालत का है कि जिस हालत में मौला ने हमारी रूह को पैदा किया। अगर हमको अपने बोल का मतलब पता लगे तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पे हमारा बोल है रहमान,
तो ये बोल रहमान से पता लगता है कि मेरी जो रूह जब खुदा ने पैदा की तो उस वक्त खुदा रहमान की हालत में था। अगर मेरा बोल है रब तो मेरी रूह खुदा ने रब पने की हालत में पैदा की। अपने बोल का मतलब जान लेने से हमारा खुदा की कौन सी ताकत के साथ संबंध है वो पता लगता है। तो अगर हम इस बोल का मतलब नहीं जानते, जो कि जिस मिशनरी को इमाम फरमान करता है वो उस मिशनरी का फर्ज है कि वो लोगों को बोल सिखाते वक्त उसका मतलब बताए। कभी कभी मौला खुद बोल देते हैं, लेकिन ये उस मिशनरी का फर्ज है कि जिसने लोगों को बोल सिखाया है मौला की तरफ से, वो उनको बैठक का तरीका भी सिखा दे कि किस तरह बैठना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, और उस बोल का मतलब भी बताना चाहिए। तो अगर आपको अपने बोल का पता है तो जब आप इबादत के लिए बैठो तो तरीका तो यह है कि पहले थोड़ी सी दुआ मांगो, ये समझ के कि मौला मेरे सामने बैठा है, मैं मौला की हुजूर में हूं, अब मौला से दुआ करो, या मौला मैं गुनहगार हूं, कमजोर हूं, मेरे ऊपर रहमत कर, मुझे ताकत दे, तुझे राजी कर सकूं, तेरे फरमान पे अमल कर सकूं, माफ करे, फिर उसके पास दुआ मांगे कि तू मुझे बख्शीश दे। एक मिनट इस किस्म की हालत बयान करने के बाद आप अपने बोल के उस मतलब का ख्याल दिल में रखो कि मेरा बोल है रब, तो रब कहते हैं पालने वाले को, सस्टेनर, मेंटेनर, फीडर, तो रब का तो बहुत बड़ा मतलब है। तो जब ये पता लगे कि मैं रब के सामने हूं तो रब की जो रबूबियत है यानी रबपना, उसका और मेरा यह ताल्लुक है कि मैं उसका पाला हुआ हूं जो मुझे पालता है। अपना और उसका ताल्लुक संबंध कौन सी हालत का है वो बैतुल ख्याल के बोल के मतलब से जाहिर होता है, और इस हालत का आप ख्याल करो और इस हालत को समझने की कोशिश करो। बाद में आप अपने बोल को चालू करो, सांस ऊपर जावे यानी हम अंदर श्वास ले लें, आपका बोल होना चाहिए। मिसाल देता हूं, या रब, एक दो सेकंड ठहरो, अपने सांस को एक दो सेकंड ठहरो, रोको, या रब, जरा रुक के सांस को बाहर निकालो, या रब, फिर जरा ठहरो, फिर वापस सांस लो, या रब, और सांस को जरूरत से ज्यादा लंबा भी ना करो, टूका भी ना करो, या रब या रब या रब, ये भी नहीं, नॉर्मल हालत कंडीशन के अंदर। क्योंकि अगर हम नॉर्मल सांस लेते हैं और उस सांस से हमने अपने सांस को लंबा कर लिया तो थोड़े टाइम के बाद हमारे जो फेफड़े हैं ना वो थक जाएंगे, सिवा कि आपने प्राणायाम की दिन के वक्त प्रैक्टिस करके अपने लंग्स को बड़ा कर लिया है तो वो और बात है, वो योग की बात आ जाती है। योग अब्दू वो लोग के जो दिन के वक्त भी अपनी इबादत ही के ख्याल में रहते हैं, दिन के वक्त भी वो बैठ के अपने मौला को किसी न किसी तरीके से याद करते रहते हैं, दिन के वक्त भी कभी फुर्सत मिल जाती है, खाना पीना खा लिया है ना तो कई लोग जरा आराम करते हैं, ये 10-20 मिनट जो हम खाने के बाद आराम करते हैं कभी आप इसको यूज करो तो याली याली करो, अल्लाह अल्लाह करो, मौला को याद करो, लेकिन बोल की बैठ के बैठक नहीं करना, याद करो, उसके साथ संबंध लगाओ, हे मौला तूने मुझे कैसा अच्छा खाना दिया, भले खिचड़ी खाई होगी मगर उसको कहो तूने मुझे कितना अच्छा दिया, इसलिए कि मेरे लिए ये चीज अच्छी है,
वही उसने मुझे दी है। राजक वो है ए मौला, ये रसूलुल्लाह की दुआएं हैं, ए खुदाया ये तूने मुझे रिज़क दिया, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ, इस रिज़क में से अच्छा खून बने, मेरा लहू अच्छा बने, मेरे अच्छे विचार पैदा हुए, मेरा ईमान बढ़े, तेरा शुक्र गुजार हूँ। इस तरह खाना खाने के बाद भी आप उसको याद करो किसी न किसी तरीके से। तो जो चालू आदमी मौला को याद करता रहता है उसमें बहुत सी अच्छाइयां खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। अब इबादत के अंदर हमने बोल शुरू किया, हर डेढ़ घंटे के बाद तंदुरुस्त आदमी होवे, बिल्कुल तंदुरुस्त होवे, एक घंटा 29 मिनट के बाद उसकी ये जो नाक की जो सांस है राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट बदलती है, आफ्टर 1 आवर 29 मिनट्स, और फिर ये दोनों नासें एक साथ चलती हैं 2 मिनट तक के लिए। अगर हमारी राइट सांस जिसको हमारे घिनानों में इंगला कहा गया 1 घंटा 29 मिनट चलती है तो जो 29 मिनट आता है ना, इस मिनट में आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट साइड जरा खुलने लगती है, उसको 1 मिनट लगता है, और बाद में दोनों अपने साथ चलती हैं। फिर 2 मिनट के बाद राइट आ जाती है, 2 मिनट चलने के बाद 1 घंटा और 29 मिनट के बाद फिर दूसरी नास आ जाती है। ये चांद सूरज चलते रहते हैं, राइट साइड है ये सूरज की है, गर्म है, तेजस्वी है, एनर्जेटिक है। जब इंसान की राइट साइड चलती है, इंगला चलती है, तो उसके बदन के अंदर स्पिरिट ज्यादा होती है, वो एक्टिव होता है, उसकी थिंकिंग क्लियर होती है, डिसीजन लेने का उस वक्त बेस्ट टाइम होता है, और कोई भी काम करने या विचार करने या कोई प्लान बनाने के लिए ये बेस्ट टाइम है कि आप आपकी जो नस है सांस की वो राइट नस चलती होवे। फिर जो लेफ्ट नस कोरा है, लेफ्ट साइड की जो सांस है जिसको पिंगला कहा गया, इसके अंदर थोड़ा सा नरमास है, आराम है, इसमें कंफर्ट है, एक्टिविटी घट गई। और कई आदमी जब बीमार बन जाते हैं तो उनकी लेफ्ट साइड ज्यादा चलती है, लॉन्गर टाइम चलती है, 1.5 घंटे की जगह 2-3 घंटे चलती है। मैंने अर्ज की आपको कि बिल्कुल आदमी तंदुरुस्त होना चाहिए, यह उसकी निशानी है, मेरे अंदर कोई बीमारी है कि नहीं ये अगर ढूंढना है तो ये अपनी नस को घड़ियाल रख के देख लो कि बराबर अगर 1.5 घंटा ये और 1.5 घंटा वो और उसमें दोनों 2 मिनट चलती हैं तो आपका सारा शरीर मगज ब्रेन वगैरह परफेक्ट है। लेकिन अगर शरीर में कुछ भी बीमारी होगी, भले वो डॉक्टर को न भी पता लगे, लेकिन कोई बीमारी या तकलीफ होगी तो ये दोनों इस हालत में नहीं चलेगी, उसमें फर्क पड़ेगा। अब ये जो इंगला और पिंगला है इसको गिनान के अंदर सूरज चांद कहा गया। फिर कहते हैं अब्दू चंदा सूरज दोए रोकी राखो अने मन चित धरो इस डंडी ए सुख मना तंती वाजन लागी ए भेद किसे जे खंडी अब्दू ते जोगी जुग माए। ये पिशमस का गिनान है, चांद सूरज को रोक रखो तो फिर क्या होगा, इसके अंदर अपना चित्त लगाओ। मुझे एक आदमी ने पूछा मिशनरी साहब ध्यान नहीं लगता उसका क्या करें। मैं बोला ये तो बहुत सहला है, इबादत में बैठो और कभी ध्यान नहीं लगता, दुनिया के ख्याल आते हैं, सांस को रोक लो, दोनों सांस चाहे राइट चलती हो या लेफ्ट चलती हो सांस को रोक लो, इमीडिएटली उसी वक्त तमाम बाहर के ख्याल बंद हो जाएंगे,
फुल स्टॉप, डेड स्टॉप। सांस को रोक देने से ख्याल बंद हो जाते, मन एकाग्र हो जाता है। उस वक्त ध्यान लगाओ, बोल को याद करो, मगर थोड़ी देर के बाद फिर कभी ये माइंड स्लिप हो जाता है तो फिर यही प्रैक्टिस करो। और ये प्रैक्टिस करते 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 कि हम श्वास को रोक रोक के अपने मन को एकाग्र करें, इसका पीरियड बढ़ता जाएगा। ये डेली की प्रैक्टिस है, एक दिन भी इसमें नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह 3 से 6 महीने के अंदर 5 से 10 मिनट की एकाग्रता जरूर मिलेगी। इतनी खुशी आएगी, सारा दिन खुश रहोगे। 5-10 मिनट की भी एकाग्रता जो है बहुत बड़ी चीज है। और वो खुशनसीब है लाखों में से कोई एक के 1 घंटे तक वो एकाग्रता में बैठा होगा। ऐसे तो कोई कोई खुदा के लाल होते हैं, लेकिन 5 मिनट की भी एकाग्रता अगर हमको 4 और 5 बजे के दरमियान मिल जाए तो ये कॉन्सेंट्रेशन हमको इमेंस हैप्पीनेस देगी। चंदा सूरज दो रोकी राखो, ये इंगला पिंगला को रोक लो, ध्यान रखो उसके अंदर, तो फिर क्या होगा, कुछ वक्त के बाद, प्रैक्टिस के बाद, ये प्रैक्टिस हो सकता है महीना भी लगे, बरस भी लगे, क्योंकि हमारे अख्तियार में नहीं है। मौला की बख्शीशों में से बख्शीश है, सुख मन तंती वाजन लागी। सुख मन उसको कहते हैं कि जब दोनों सांस साथ चलती हों, जैसे मैंने अर्ज की कि 2 मिनट के लिए दोनों सांस साथ चलती हैं, इसको सुख मन की हालत कहते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर एक तार है, जो तार सांस के साथ चलती है, आमतौर पे आवाज नहीं आती। हम ऐसा समझते हैं कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं या खींचते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं, जिनको हम लंग्स कहते हैं, लंग्स जो है वो हमारी नक में से निकल के, यानी हवा निकल के बाहर आती तो हवा की स्पीड की वजह से हमारे सांस की आवाज आती है। आदमी दौड़े तो उसकी सांस फूल जाती है, तो उसकी आवाज भी ज्यादा आती है क्योंकि ज्यादा स्पीड से निकलती है। मगर इस चीज के अंदर आदमी आराम शांति से 10-15 मिनट से बैठा है, उसकी सांस स्लो हो गई, उसके हार्ट की बीट स्लो हो गई, उस वक्त भी सुख मना तंती की एक तार है कि जो बड़ा ध्यान लगाने से पता लगेगा। वो तार बजती है, जैसे कि सितार है, 2 तारा है, 1 तारा है, वायलिन की तरह एक तार है, वो आहिस्ता से बजती है, इबादत में जोर से बजती है, और उसके अंदर से एक किस्म का म्यूजिक निकलता है। वो म्यूजिक आदमी को और भी मजा देता है बंदगी के अंदर। कॉन्सेंट्रेशन होती है, दुनिया के कोई ख्याल नहीं है, आदमी अंदर है, मन शांत हो गया, दिल में पीस हो गई, चिंता फिक्र व्याधि कुछ नहीं, और वो सुखमना की जो तार की आहिस्ता आहिस्ता स्लो म्यूजिक में से जो आवाज निकलती, आदमी को बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। मुख बिना गायने ए सर्वन बिना सुनिए जी, बिन कर ताल बजाए जपता रही है जी। हाथ के बगैर ताली बजती है, ताल पखा बजा मृदंग वाजे जी, ताल पखा बजा मृदंग वाजे जी, बिन रसना गुण गाये जपता रही है जी। पखावज कहते हैं पांव में जो झांझर पहनती है ना, घुंघरू नाच के अंदर ठोका देने के लिए काम आते हैं, और ढोलक बजती है, हाथ के बगैर ताली बजती है। मैंने आपको कहा कि ये जो सुखमना तंती वाजन लागी,
इसके अंदर जो सटल म्यूजिक निकलता है वो आपको इतना मजा देगा कि सारा दिन आप उसको याद करोगे। ऐसी आपको बहुत सी उसमें से बख्शिशें मिलती रहेंगी। फिर इसके अंदर एक और जरूरी चीज है जो पीर कहते हैं, रात को 4 बजे से पहले उठना है। बहुत पावरफुल आदमी होते हैं कि जो रात को 12 बजे सो के 4 बजे उठे, लेकिन मोस्टली 4 बजे उठते जरूर हैं लेकिन फिर इबादत में सो जाते हैं, नींद पे काबू नहीं। और नींद की मांग के कारण से, यानी नींद्रा आती है इसकी वजह से आदमी ध्यान नहीं लगा सकता। तो इंसान की दुनिया की फिक्रें चिंता नहीं होनी चाहिए, इंसान का दिल ओपन होना चाहिए, इंसान अपनी निंद्रा के ऊपर कंट्रोल करे और अपनी बैठक के ऊपर कंट्रोल। मारो चिंता जारो अने हूँ खुदी करो रसोई, ए निंद्रा जी तो आसन जी तो किलतार करे सो होई, अब दू किलतार करे सो होई। उम्मीद छोड़ दो, काहे की उम्मीद, दुनिया की उम्मीद है। और ये उम्मीद भी कि मुझको, मैं बैठूं तो मौला मुझे अपना नूर दे, ये उम्मीद के लिए।